हेलो एवरीवन, आई उत्कर्ष सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सब्जेक्ट मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, दैट इज MEE, यूनिट नंबर 1, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 10 मार्क्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 1 इज सेफ्टी प्रैक्टिसेस। सो लर्निंग आउटकम्स, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट सेफ्टी प्रैक्टिसेस, i.e. रूल्स फॉर सेफ्टी एंड सेफ्टी सिंबल। सेफ्टी प्रैक्टिसेस, these practices include most important terms or definitions, which is very important in exam point of view and also as per your knowledge also. So let us see what are these important terms: safety, hazard, accident, major accident hazard, responsibility, authority, accountability and monitoring. So first we will talk about safety. What is safety? Safety means being safe. Safety का मतलब होता है अपने आप को किसी भी dangerous place या field से safe रखना. If you are away from that place, then you are safe. Okay? Some of the general points or practices which are followed इन जनरल, ये कुछ ऐसी सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं जो कि इन जनरल आपको पता होनी चाहिए डेली, डे टू डे लाइफ में। पहला कि आपको अपने आप को हमेशा एक सिक्योर पोजीशन पे रखना है, टू अवॉइड स्लिपिंग, आपका फिसलना या आपका कहीं पे लुढ़क के गिरना आगे या पीछे किसी भी इलेक्ट्रिकल एपरेटस या कोई भी लाइफ कंडक्टर के ऊपर आप गिर सकते हो और उससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमेशा अपने आप को ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे आपके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो सके। दूसरा पॉइंट, जब लाइटनिंग स्टॉर्म, यानी जब लाइटनिंग होती है, तब जितने भी आउटडोर वर्क है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के, उसे हमेशा बंद कर देना चाहिए। ऑलवेज स्टॉप और स्विच ऑफ द आउटडोर वर्क इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है। तीसरा, मेक अ हैबिट ऑफ बीइंग कॉशियस, मतलब कि आपको अपने अंदर सतर्क रहने की हैबिट बनानी चाहिए, जिससे कि आप जो आपके सामने या आपके आंखों के सामने ये जो बोर्ड्स रहते हैं, डेंजर नोटिस बोर्ड, प्लेट, डेंजर फ्लैग, वार्निंग बोर्ड, सिग्नल, इन सब पर आपका ध्यान रहे। आप खुद भी ध्यान रखें और दूसरों को भी बताएं कि वो भी सतर्क रहें, यानी कि कॉशियस, यू शुड बी कॉशियस, बिकॉज इट कैन सेव यू फ्रॉम द एक्सीडेंट, फ्रॉम एनी डेंजरस हजार्ड, या आपको किसी भी ऐसी अनहोनी एक्सीडेंट से बचा सकता है। तो कीप योर सेल्फ सेफ, बिकॉज सेफ्टी इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज हजार्ड। हजार्ड मतलब होता है कोई भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो आपके साथ विथाउट प्लानिंग, मतलब बिना किसी प्लान के या एकदम ही रैंडमली आपके साथ हो जाए, उसे कहते हैं हजार्ड। हजार्ड जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। अगर आप कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट होता है, तो इट कैन क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द सिस्टम, ठीक है। जब आपका कोई इंसुलेशन, किसी भी वायर का इंसुलेशन में कहीं पे भी ब्रेक डाउन होता है, तो इट प्रोड्यूसेस हीट, हीट के वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड इट रिजल्ट फायर हजार्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से आपके उस वायर के एक इंसुलेशन ब्रेकडाउन के वजह से वहाँ पे आग लग सकती है। सो दिस इज व्हाट अ विदाउट प्लानिंग और एनी रैंडम एक्सीडेंट
ये कोई प्लान नहीं करता, इंसुलेशन ब्रेकडाउन होना ये सब अपने अचानक से होता है, और उसी अचानक से किसी भी फॉल्ट का होना उसको हम हजार्ड कहते हैं। मेजर एक्सीडेंट हजार्ड, मेजर एक्सीडेंट हजार्ड हम उसे कहेंगे जब कोई पर्सन किसी शॉक शॉक उसे लगे, जब वो किसी ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या किसी मशीनरी या किसी एपरेटस में वर्क कर रहा हो एंड उसको सडनली एक शॉक लगे, और वो शॉक भी इतना ज़्यादा हाई पावर का हो कि इट कैन कॉज डेथ, उनकी वहीं पे डेथ हो सकती है, उसको हम कहते हैं मेजर एक्सीडेंट हजार्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब द पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ दैट प्लेस, जहाँ पे भी आपका कोई वर्क हो रहा हो या आपका कोई प्रोजेक्ट है, फील्ड वर्क हो रहा हो, वहाँ पे कोई जो आपका इंचार्ज होगा, ही और शी इज़ हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहाँ पे जो भी वर्क हो रहा हो वो बहुत स्मूथली और सेफली हो, उसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी, वो पर्सन जिसके पास ऑर्डर्स देने के और अपना काम करवाना, मेक अदर्स टू ओबे द सेम, ऑर्डर्स दे के उनसे वो काम कराना, उसे कहते हैं अथॉरिटी। जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो या आप कहीं फील्ड के इंचार्ज हो, तो जो भी आपका वहाँ पे वर्क हो रहा है उसके ऑथराइज्ड पर्सन आप हो, आपके कहने पे वो काम हो रहा है, इसलिए आपका कहना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कौन से स्टेप्स लेते हैं और कौन से स्टेप्स बताते हैं। सो यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन टू गिव ऑर्डर्स एंड मेक अदर टू ऑबे दैट, ओके। सो उसे हम अथॉरिटी कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब व्हेन अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ सर्टेन वर्क, जब कोई पर्सन किसी सर्टेन वर्क मतलब किसी एक काम का अगर वो इंचार्ज है, और अगर उस काम की एक डेडलाइन दी गई थी कि वो एक पर्टिकुलर दिन में कंप्लीट होगा, बट अगर वो उस पर्टिकुलर दिन में कंप्लीट नहीं हो पाया, सो द इंचार्ज ऑफ दैट वर्क हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन, उसे अपने हेड को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्यों उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ डेडलाइन पे। जिस दिन काम कंप्लीट करने को बोला था उस दिन काम क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंचार्ज की होगी, जिसे कहते हैं जवाबदारी, तो उसे कहते हैं हम अकाउंटेबिलिटी। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली देखना पड़ता है कि आप अगर किसी प्लांट में काम कर रहे हो तो वहाँ का हर एक मशीनरी, हर एक इक्विपमेंट कैसे वर्क कर रहा है, और जो भी पर्सन उस को मॉनिटर कर रहा है उसे वो हर एक इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं मॉनिटरिंग। आईई एक्ट एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन फॉर सेफ्टी, सो इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट के हिसाब से, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से बहुत सारे एक्ट जो हैं वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि उन्हें फील्ड में काम करना पड़ता है और ये बहुत ही रिस्की काम होता है। सो एक पूरा एक बुक है उस पर, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पे, सो वी विल सी सम ऑफ देम। फर्स्ट, सेफ्टी ट्रेनिंग बुक, जो भी पर्सन फील्ड वर्क कर रहा है या इलेक्ट्रिकल का वर्क कर रहा है उसके पास सेफ्टी ट्रेनिंग बुक होना चाहिए। अगर वो किसी प्लांट में काम करते हैं तो उसमें उस पूरे प्लांट के सेफ्टी रूल्स होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड और ट्रेंड पर्सन ही इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकते हैं, कोई भी अनट्रेंड पर्सन को कोई भी इलेक्ट्रिकल एपरेटस हैंडल करने नहीं दिया जाता है। आप अगर किसी भी कोई भी वर्क कर रहे हो बट यू आर नॉट ऑथराइज्ड, अगर आपको किसी ने अथॉरिटी नहीं दी है, तो आप कोई भी स्विच बिना किसी नॉलेज के ऑपरेट मत करो, बिकॉज़ अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है कि वो स्विच
किस चीज़ को ऑन कर रहा है या किसको ऑफ कर रहा है, तो उससे आप एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए डू नॉट ऑपरेट एनी स्विच विथाउट एनी नॉलेज। जब तक आपको अपना काम नहीं पता, तब तक आप कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे कि उस जगह पे किसी भी तरह का केओस, मतलब किसी भी तरह का अफरा तफरी हो। अगर आपको आपका काम पता है कि आपको क्या काम करना है, अपने काम को सिक्वेंस में रखिए, लाइन अप करो, और सारे सेफ्टी मेजर्स वो आपको अपने साथ कैरी करना है। प्रॉपर शूज़, हेलमेट, प्रॉपर रबर ग्लव्स, ये सब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो कि फील्ड पे काम करते हैं उनके पास होना चाहिए। अगर आपको किसी ऐसी चीज़ों का नॉलेज नहीं है जिस पे आप वर्क करने जा रहे हैं, तो डोंट डू इट। अगर आपको किसी जिस भी इक्विपमेंट पे आप काम करने जा रहे हो, अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है, तो उसको नहीं छूना है। हमेशा इंसुलेटेड टूल्स और सेफ्टी डिवाइस को ही प्रेफरेंस दें और उसी को ही यूज़ करें। प्रॉपर इंसुलेटेड होना चाहिए वो टूल्स, रबर ग्लोव्स, जो भी आप यूज़ कर रहे हो वाइल वर्किंग। हमेशा जब भी आप कहीं पे वर्क करते हो, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें जहाँ पे वर्क करना पड़ता है उसके लिए हमें पूरी सप्लाई को शट डाउन करना पड़ता है। तो आपको हमेशा शट डाउन करने से पहले जो भी उस प्लांट का इंचार्ज है उससे जाके परमिशन लेनी पड़ती है, तभी जाके आप शट डाउन कर सकते हैं। कभी भी हाई रेनफॉल, फॉग और हाई विंड, जब बहुत तेज हवा चल रही हो, तब को ऐसे कंडीशंस में कभी भी इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं किया जाता। डू नॉट अलाउ वर्किंग इन, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और वहाँ पर प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं है, मतलब लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, तो वहाँ पे काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे या तो ग्लेयर, मतलब जो आपका शेडो होता है, या बहुत कम रोशनी होंगी। तो ऐसी जगहों पे आप इलेक्ट्रिकल का वर्क नहीं कर सकते, आई थिंक कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे या तो कोई एक्सीडेंट, या तो आपका कोई जो वर्क है जो आप प्रॉपर करना चाहते हो वो प्रॉपर हो नहीं पाएगा। इसलिए डू नॉट अलाउ वर्किंग इन सच प्लेस। हमेशा जो बहुत ही अच्छे मटेरियल्स हो उनको यूज़ करना चाहिए। डू नॉट यूज़ एनी डिफेक्टिव मटेरियल, ख़राब मटेरियल्स यूज़ नहीं करना है। डू नॉट अलाउ वर्किंग ऑन डिफेक्टिव इक्विपमेंट, ना तो कोई डिफेक्टिव इक्विपमेंट पे काम करना है, ना ही कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करना है। नाउ सेफ्टी सिंबल। सेफ्टी सिंबल्स हमने बहुत जगह पे देखा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्विच ऑफ व्हेन इट नॉट यूज, डेंजर का बोर्ड, सेफ्टी प्रैक्टिसेस, डेंजर हाई वोल्टेज, सी डेंजर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये सारी जितने भी हैं सारी सेफ्टी के सिंबल्स हैं। डेंजर, फर्स्ट एड, नो स्मोकिंग, कॉशन 230 वोल्ट, कहीं पे काम हो रहा हो तो वहाँ पे लिख देते हैं, कहीं पे बम ब्लास्ट होना हो या एक्सप्लोड कर रहे हो तो वहाँ पे लिख देते हैं कि एक्सप्लोजिव जगह है, या तो फिर ऐसी जगह जो कि फ्लेमेबल हो तो वहाँ पे भी आग लगने का रहता है, तो वहाँ पे भी बोर्ड लगे रहते हैं, है ना, फर्स्ट एड। सो ये जो क्वेश्चन है सेफ्टी सिंबल, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछते हैं। सो प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान से देखो और इसको रिमेम्बर करके रखो। समरी, वी हैव लर्न इन दिस वीडियो सेफ्टी प्रैक्टिसेस, सेफ्टी कॉशन टू बी फॉलोड वाइल वर्किंग विद एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, सेफ्टी सिंबल, PO मैपिंग, हियर वी मैप PO 1, 2, 3, PSO 1, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड विल बी ऑन इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, थैंक यू।